हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियंट जोन में। और मैं आपका दोस्त, होस्ट और साथी राहुल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के टी टाइम सेशन में। ठीक है, किसमें वो करंट अफेयर्स के टी टाइम सेक्शन में आज हम क्या देखे थे, जो पिछले टर्म पे हमने देखा था कि भारत में कौन क्या। ठीक, तो भारत में कौन क्या का आज पार्ट टू हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चीफ कौन कौन हैं, और जो कि हाल के अगर परीक्षाओं की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम आप फिक्स मानिए कि वो रखा हुआ है। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का हम करते हैं शुरुआत। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रेडियंट जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसके वीडियोस को Facebook, WhatsApp और Insta पे क्या करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो के लिंक को, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ें और हम आगे बढ़ें और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम करें शुरुआत। तो जो पहला है, पहला जो आज का मतलब कि पॉइंट है, वो क्या है कि भाई ऋतु बेरी किस देश में भारत की सांस्कृतिक राजदूत हैं। ऋतु बेरी भारत में, भारत की किस देश में, किस देश में सांस्कृतिक राजदूत हैं, तो आप कहेंगे उज्बेकिस्तान। किस में? उज्बेकिस्तान देश की में, उज्बेकिस्तान देश में ये भारत की क्या हैं, सांस्कृतिक राजदूत हैं। चलिए नेक्स्ट है कि भाई हाल में किसको चुनाव आयुक्त बनाया गया, हाल में किसको चुनाव आयुक्त बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं लिखा है, सिर्फ चुनाव आयुक्त लिखा है। तो इसका क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त हाल में किसको बनाया गया, तो आंसर है सुशील चंद्र को। किसको बनाया गया? सुशील चंद्र को। दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि और उनके क्या होते हैं ना, उनके दो मतलब ये असिस्टेंट अगर कह लें तो उनको हम मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कहते, उनको हम कहते हैं चुनाव आयुक्त। क्या कहते हैं? चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, वो हुई है सुशील चंद्र की। ठीक है ना, किसकी नियुक्ति हुई है, सुशील चंद्र की। और एक जो और इनके हैं, इनके साथ, वो हैं अशोक लवासा। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, एक हैं अशोक लवासा जो कि वो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी कि चुनाव आयुक्त हैं, और एक कौन है, सुशील चंद्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई लोकसभा की महासचिव कौन हैं। भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा का भी चुनाव अब होने ही वाला है, कल उसकी क्या है, फर्स्ट फेज का पोल भी है दोस्तों, तो आप चुनाव में हिस्सा जरूर लें अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि भाई लोकसभा की महासचिव कौन है, तो वर्तमान में कौन है दोस्तों, स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं वर्तमान में लोकसभा की महासचिव। और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कि भाई NIA के महानिदेशक कौन हैं। किसके? NIA के महानिदेशक कौन हैं? तो भाई ये NIA क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक, जो कि आतंकवाद का जो मैटर है उसको देखती है भारत की तरफ से, उसकी शीर्ष संस्था है क्या, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं YC मोदी। कौन? YC मोदी। ठीक, चलिए अब जो नया क्वेश्चन है, नया जो मतलब नेक्स्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। वो है भाई इसरो के अध्यक्ष कौन है। किसके? इसरो के, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं के सिवान। कौन है? के सिवान। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इसरो के मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं। किसके? DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं
जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का दोस्तों जो क्या कहते हैं कि मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में, ठीक है ना। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है सेबी। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय अजय त्यागी हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो है बार्क, कि भाई बार्क के अध्यक्ष कौन है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। किसके? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो वो है कमलेश नीलकंठ व्यास। कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि भाई प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? किसके? प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, ठीक। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, आइए उसको देखते हैं। दसवां पॉइंट वो है सिडबी। भाई सिडबी के अध्यक्ष कौन है, ठीक। तो एक चीज आती है जो कि भाई सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है मोहम्मद मुस्तफा जी। कौन है? मोहम्मद मुस्तफा जी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई भारत के वित्त सचिव कौन है, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? वो है अजय नारायण झा। कौन है? अजय नारायण झा क्या है? भारत के वित्त सचिव हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं जो है कि भाई भारत के राजस्व सचिव कौन है? क्या? भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव कौन होता है दोस्तों? वो हैं अजय भूषण पांडे जी। भारत के राजस्व सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे जी। अब नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि भाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजीव कुमार। क्या कहेंगे? डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक। अब नेक्स्ट है कि भाई नीति आयोग के सीईओ कौन है? क्या? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आप कहेंगे अमिताभ कांत। क्या कहेंगे? अमिताभ कांत कहेंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है ट्राई। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष आर एस शर्मा जी हैं। कौन है? आर एस शर्मा जी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है यूपीएससी। यूपीएससी वह संस्था जो कि किसका? आईएएस आईपीएस और तमाम प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उच्च स्तरीय, उनका क्या कराती है? एग्जाम कराती है, जिसको हम क्या कहते हैं? भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या कहते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष इस समय अरविंद सक्सेना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप देख ये एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई आईटीबीपी के डीजी कौन है? तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो इसके जो डीजी हैं वो हैं एस एस देसवाल। क्या है? एस एस देसवाल। और इसी तरह ये क्या है? सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबी के डीजी कौन है? तो होते हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र।
चलिए अब जो नया है नेक्स्ट है वो है आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, भारत की खुफिया एजेंसी। आईबी के चीफ कौन है? तो इस समय है राजीव जैन। कौन है? राजीव जैन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है। ये क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारतीय मानवाधिकार आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एचएल दत्तू। कौन है? एचएल दत्तू जी हैं भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक, अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है कि भारत के विदेश सचिव कौन है, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा विजय केशव गोखले। कौन है? विजय केशव गोखले भारत के विदेश सचिव हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि भाई 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। किसके? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? वाई वी रेड्डी। क्या हो जाता है? वाई वी रेड्डी। और अगर यही पूछ ले कि 15वें के कौन है, 15वें वित्त आयोग के, तो इसका आंसर हो जाएगा एन के सिंह। ठीक, ये भी पूछ लेता है कि भाई 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या कहेंगे? एन के सिंह जी हैं। ठीक, और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भाई 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। किसके? 7वें वेतन आयोग के, तो आप कहेंगे अशोक कुमार माथुर जी हैं। कौन है? अशोक कुमार माथुर जी। तो दोस्तों ये था मेरे द्वारा लाया गया कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स टी टाइम का सेशन। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई एनआईए के महानिदेशक कौन हैं, तो आप इसका जवाब हमें कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे कि एनआईए का महानिदेशक कौन है और ये क्या काम करती है एनआईए। ठीक है ना, तो दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए रोचक करंट अफेयर्स लेके, आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़ोरदार पढ़ाई करते रहिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि भाई करो, मतलब जोर दे के प्रेस दे के बोलो ना कि भाई करो इसको सब्सक्राइब। ठीक है ना, ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।